हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल सी आर एस यूनिवर्सिटी जिंद चौधरी रणवीर सिंह मिश्रा विद्यालय जिंद हरियाणा के चैनल पर। तो आज की हमारी वीडियो है भाई, आज सी आर एस यूनिवर्सिटी का आपका फुल व्लॉग टूर कराते हैं भाई, ठीक है। पूरा व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपको जो है जिम जो है लाले सी आर एस में जैसे जिम भी है और क्या नाम हॉस्टल या और ठीक है कहाँ से कैसे आना है ये बताएंगे आपको। तो वीडियो लास्ट तक बनाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो लोग की लास्ट तक में रहना भाई, पूरी फुल टूर कराएंगे बस सी आर एस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। हम बाहर ही खड़े हैं इसलिए बाहर ही आए हैं हॉस्टल में से अभी, ठीक है। स्पेशल वीडियो के लिए आए, तुम्हारे लिए आए भाई। बच्चे कमेंट आ गए थे मेरे पास कि सर ब्लॉग बनाए पूरा, मतलब पूरी जो रेवेन्यू दिखाना है सी आर एस यूनिवर्सिटी का, तो पूरा रेवेन्यू दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जो बने रहना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको ये रोड दिखाता हूँ, यहाँ से देखो ये जो नून से साइड से रोड आ रहा है, ये आ रहा है आपका जो नया बस स्टैंड से, ठीक है। और ये नून है, ये बियाने वाला रोड है, ठीक है। जो बच्चे नया बस स्टैंड से आते हैं वो इस साइड से आएंगे, ठीक है। नून से नया बस स्टैंड है और नून है आपका जो है बाईपास है और बियाने रोड है ये, ठीक है। तो आपको वहाँ पर दिख भी रहे हुए, ठीक है। तो ये है जो मैं यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़े हैं फिलहाल, तो वीडियो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो मिलते हैं, चलो अंदर दिखाता हूँ आपको। तो वीडियो लास्ट तक जो है बने रहना भाई, ठीक है। अरे पूरा टूर कराऊंगा सी आर एस यूनिवर्सिटी का आपने, ये पहली बार आप देख लीजिए बाहर का रिव्यू ही, ठीक है। और अंदर से और दिखा देता हूँ, कम से लगभग वीडियो बन जाएगी आपकी 30 या 39 वाले आधे घंटे वीडियो बनेगी लगभग, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहना भाई, ठीक है। चलो अंदर का दिखाता हूँ आपको, बाहर से देख लिया, अंदर से दिखाता हूँ, देख लीजिए भीतर तो अंदर का देखो। ले अपने भीतर एंट्री कर ली है, देखो सी आर एस यूनिवर्सिटी की। इसके बाद यहाँ से देखो आप, ठीक है। बाहर का रिव्यू हो गया, बाहर से मैंने पहले दिखा दिया था आपको, देख लीजिए। ये जो परली साइड है आपने दिख रहा है, ये उरली साइड है, ये है खेलने का मैदान है भाई बच्चों का, जो आपने दिख रहा है ना वहाँ पे, ये है खेलने का मैदान यहाँ पे इली साइड। उरली साइड है आपकी, चल आपको जिम और दिखाता हूँ सी आर एस यूनिवर्सिटी के। बच्चे कमेंट आए थे मेरे पास कि जिम कहाँ पर है सी आर एस यूनिवर्सिटी, मैं जिम दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे कौन कौन से जो गेम है जो करवाए जाते हैं वो भी दिखाता हूँ आप। देखो यहाँ पे जो बच्चे फिजिकल डिपार्टमेंट से एडमिशन लेते हैं उनके लिए दिखाता हूँ, जो बच्चे फिजिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं यहाँ पे बी पी एड एम पी एड करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा आपका, ये बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी और टेनिस, यहाँ पे जो है गेम करवाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहना भाई। देखो आपको जिम और दिखा देता हूँ, जिम ऊपरली साइड है भाई आपकी, दिखा देता हूँ एक बारी। तो वीडियो लास्ट तक बने रहना भाई, देखो। अरे कोई डाउट होगा भाई कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हो। ये देख आपको सी आर एस यूनिवर्सिटी की जिम दिखाई देता हूँ आपको एक बारी, पुलिस आई डी जाना पड़ेगा हमने, देखो सी आर एस यूनिवर्सिटी की जिम दिखाई देता हूँ आपको। सी आर एस यूनिवर्सिटी जिम दिखाता हूँ आपको एक बारी, एक एक चीज़ दिखाऊंगा भाई, हॉस्टल भी, गर्ल हॉस्टल भी और बॉयज हॉस्टल भी। थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी आज भैया, देख लीजिए। एक जो मेन गेट है सी आर एस यूनिवर्सिटी का, उसके बाद यहाँ पे आना आपने, अंदर से दिखाता हूँ आपको। वीडियो लास्ट तक में रहना भाई, ये एक चीज़ दिखाऊंगा आपने। इसके बाद ये आ गया आपकी जिम, ये देखो आप, ये रहा मेन गेट। मेन गेट से होते होते सीधे यहाँ पर आए, और यहाँ से होते होते देख लीजिए अभी सी आर एस यूनिवर्सिटी की जिम है, यहाँ पर नाम भी दे रखा है, देख लीजिए। ये सी आर एस अभी तो बंद है यार, 5 बजे खुलती है क्या टाइमिंग, 5 बजे का है। और यहाँ पे आपके जो है यूथ फेस्टिवल वगैरह यहाँ पे होते हैं आपके, इसके अंदर का आपको मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ जिम, जो सामान ड्राइवर जिम का। यहाँ भी आपके यूथ फेस्टिवल वगैरह होते हैं यहाँ पे, ठीक है। टैलेंट शो जितने भी प्रोग्राम होते हैं यूनिवर्सिटी के, इसमें होते हैं भाई, योग भवन है सी आर एस का। देखिए बच्चे यहाँ पे तैयारी भी कर रहे हैं। उसके बाद आपको और बॉयज गर्ल यहाँ पे दिखाता हूँ, गर्ल हॉस्टल दिखाता हूँ आपको,
वहाँ पे एंट्री तो नहीं है हमारी, बाकी मैं आपको दूर से ही दिखा देता हूँ। देख लीजिए बाकी, ठीक है। योग भवन से, योग भवन यहाँ पे टैलेंट शो होता है आपका, यूथ फेस्टिवल जितने भी होते हैं यहाँ पे होते हैं। उसके बाद जो कि यहाँ पे जो देखो ये आपकी यूनिवर्सिटी बाहर, इसके योग भवन से बाहर आ गया हम, ठीक है। और ये और लेकर यहाँ पर इस साइड जाओगे आप, ये है गर्ल हॉस्टल साइड नू में, ठीक है। आपने नू जाना पड़ेगा, हॉस्टल का नहीं, गर्ल हॉस्टल का नहीं। ये आपके क्वार्टर है भाई, उससे हमने दिख रहे हैं ये उस क्वार्टर हैं। और यहाँ से आपको गर्ल हॉस्टल जाना था, उससे जाना पड़ेगा आपने, ठीक। चलो उल्टी मिलते हैं, ये भी देख लीजिए आप, मैं वहीं पे आ चुके हैं। ये बिल्डिंग आ गई आपकी दोबारा से, तो एक बारी ये देख लीजिए आप, ये आपका गोल से घेरा है, ठीक है। वो वहाँ पर मेन गेट थे रेसी आर एस ओ का, वहाँ से होते होते ये पहली बिल्डिंग आ गई आपकी, ठीक है। इसमें आपकी जो है एग्जाम ब्रांच है इसी में, इस बिल्डिंग में जितने आपके एडमिशन होते हैं इसी में होते हैं आपके, ठीक है, इस बिल्डिंग में, ठीक है। अलग अंदर का नहीं और दिखा देता हूँ, वीडियो लास्ट तक जो है बने रहना भाई। देख लीजिए आप, ठीक है। ये जो है बस लगा रखी है सी आर एस यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर नाम भी देखा सी आर एस यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब कहाँ पर NSS के जो RSS के विद्यार्थी होते हैं इसमें जाते हुए, ठीक है। और वो सामने आपका क्वार्टर है वहाँ पे, और ये मेन बिल्डिंग है भैया, पुरानी बिल्डिंग है। इसमें आपकी जो है जितनी भी UG जितनी भी क्लासेस लगती है ना आपकी, इसमें लगती हैं भाई, ठीक है। डिपार्टमेंट की कुछ क्लासेस पुरली बिल्डिंग में लगती हैं, क्योंकि आप पुरानी बिल्डिंग है इसी में लगती हैं आपकी क्लासेस लगभग, ठीक है। क्वार्टर हैं आपके भी, थोड़ा अंदर करीब नहीं दिखा देता हूँ मैं बिल्डिंग का, बाकी आज छुट्टी इसलिए क्लासेस ऑफ है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ है, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ठीक है अंदर करीब नहीं दिखाई देता हूँ आपको, फिर उल्टा वहीं पर लेके जाऊँगा जहाँ पर आपकी फ़ीस कटती है। एग्जाम ब्रांच कहाँ पर जाना पड़ेगा, एग्जाम ब्रांच इसके साथ आपको दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर एंट्री करोगे ना पहली बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग में, ये देख लीजिए आप। इस सामने इस साइड जाना पड़ेगा अपने एग्जाम ब्रांच के लिए, ठीक है। आज ऑफ है इसलिए दिखाने, ठीक है। एग्जाम ब्रांच इस पर जाना पड़ेगा अपने जिन बच्चों का, देख लीजिए आप 28, ठीक है। चलो उल्टे बाहर चलते हैं, ठीक है। लब उल्टे बाहर आ चुके हैं, देखो यहाँ से अंदर गए थे हम, उल्टे बाहर आ चुके हैं। उसके बाद ये मैन पार्क है, ठीक है। चल चलते हैं गए और दिखाते कुछ नया यूनिवर्सिटी आपने, जो चीज़ दिखानी रह गई थी मैं भी दिखा देता हूँ आपको आज। फुल व्लॉग बनेगा इसलिए मैं कम से कम 30 मिनट की वीडियो बना रहे बनेगी भाई, 30 या 35 मिनट की वीडियो लेके चलो आज बनी बनेगी भाई, ठीक है। वहीं भी लेके जाऊँगा आपने, तो पहले मैं देख लीजिए आप यहीं पे आ लीजिए। होते 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 यहाँ पर बड़े बेरी भी है भाई, जिन्हें बेर बार खाने दो यूनिवर्सिटी में लग भी रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है। जैसे आप फीस वगैरह कटवाते हो ना जितनी भी CRS यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे ऑफलाइन में जो फीस कटती है आपकी, और वो फीस कैसे कटती है देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेल लगे हुए भी देख लीजिए आप, देख लीजिए जितनी आपकी फ़ीस कटती है यहाँ पे ऑफलाइन मोड में कटते हैं भाई, ठीक है। ऑनलाइन मोड भी आपकी फ़ीस कटती नहीं है, एडमिशन जब आप CRS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो ना, ठीक है। देखो यहाँ पे बैंक है, देखो PNB बैंक है यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे विश्वविद्यालय सुविधा केंद्र, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए आप यहाँ की, यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह हैं, और यहाँ पे सैलून भी आपका, सेम बुक डिपो भी है,
और यह PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, आपकी फीस वगैरह कटती है यहाँ पे। जितनी भी एडमिशन होती है CRS यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जितनी फीस कटती है यहाँ पे ऑफलाइन मोड फीस कटेगी यहाँ पे इस बैंक में, अब देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फीस वगैरह कटती हैं, ठीक है, CRS यूनिवर्सिटी जितनी फीस वगैरह कटती है यहाँ पे कटती है पंजाब नेशनल में ऑफलाइन मोड में। ठीक है, यहाँ से होते होते उल्टे वापस हम जा रहे हैं और यहाँ पे एक दुकान और दिखाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पर मतलब दूध चाय ओ सॉरी ये दुकान है यहाँ पे जो है, जैसे चाय सुई पीनी हो दूध जैसे लेना हो तो यहाँ पे जो ले सकते हो। ठीक है, और देख लीजिए आप यहाँ पे यहाँ के। ठीक है, लो वापिस वहीं पे जाते हैं, अब अगली बिल्डिंग दिखाता हूँ, दूसरी सेकंड बिल्डिंग देख लीजिए। यहाँ पे देवी रखा है बोर्ड पे, नाम दिखा देता हूँ आपको, छत्रपति शिवाजी पुर छात्रावास। ठीक है, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय शिव केंद्रा। ठीक है, देखो अभी जो बिल्डिंग है यहाँ, अगली जो बिल्डिंग बन रही है ये बन रही है आपकी लाइब्रेरी। ठीक है, नई बिल्डिंग बन रही है CRS यूनिवर्सिटी में। ये देख लीजिए आप, जो ये दिख रही है ना आपने बिल्डिंग जो बनने लग रही है, ये लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी बनने लग रही है CRS यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इस साइड आपने दिख रही है ये है बाग। ठीक है, बेल लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये देखो ये बढ़िया। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक बने रहना, एक चीज़ दिखाऊँगा। थैंक यू, हॉस्टल का नहीं जा रही हम। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार, ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये आपका है देखो यहाँ पे देवी रखा है प्रोसफोर्ड साइट फॉर लाइब्रेरी। ठीक है, ये स्पेशल लाइब्रेरी है भाई CRS सुन रही, ऐसा मतलब जो है बनेगी यहाँ। ठीक है, उतर उतर तो आगे दिखाते हैं आपको, बने रहना वो लास्ट तक, देख लीजिए आप उतर उतर यहाँ पा चुके हैं। ठीक है, ले भाई यहाँ पा चुके हैं। अब देखो ये देखो ये हॉस्टल दिख गया, बोझ हॉस्टल आपने उससे में दिख रहा है आपने, बोझ हॉस्टल के नहीं आ लिया हम, और देखिए आप। ठीक है, सुविधा जो केंद्र समाज से होते होते हम यहाँ पा चुके हैं। ठीक है, आपको ये बोझ हॉस्टल दिख भी गया होगा आपने। ठीक है, हमारे जो है बोझ हॉस्टल का नहीं। ठीक है, अरे आपकी सेकेंड बिल्डिंग भी आ गई यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग वहाँ पुरानी बिल्डिंग है, ये आपकी सेकेंड बिल्डिंग है। इसमें जो आपकी LLB की जैसे कि अदर कुछ नए कोर्स जो जितने भी कोर्स नए आए हैं 2020 में आए हैं, लाले 2023 में सॉरी 2023-24 जो सेशन है चला हुआ है, इसमें जो नए कोर्स आए हैं उनमें जितने भी क्लासे लगती है इस बिल्डिंग में लगती हैं। ठीक है, और वह काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, वहीं से होते होते हम। ठीक है, और ये दिखाता हूँ आपको मैं कैंटीन। ठीक है, थोड़ी देर में कैंटीन आ जाएगी, कैंटीन दिखाता हूँ आपको CRS यूनिवर्सिटी की, दिखा देता हूँ। ये देखो आपने कैंटीन के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा, ये सेम ही आपको बोझ हॉस्टल है और ये बेस्ट सीट्स, चलते रहना चल। ले भाई यहाँ पा लिया है भी। ठीक है, वो बोझ हॉस्टल पीछे कई बार दिखा दूँ जहाँ से आप आए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये नई बिल्डिंग आई है CRS यूनिवर्सिटी की, ये बोझ हॉस्टल है CRS में। चलो बोझ हॉस्टल भी लेकर लेके जाऊँगा आपने, और ये आपकी जो कैंटीन आ गई CRS यूनिवर्सिटी की, मैं भी दिखा देता हूँ। ये बोझ हॉस्टल है CRS यूनिवर्सिटी का, मैं देख गया, देख लीजिए। अभी तो वो भैया कैंटीन नहीं है CRS यूनिवर्सिटी की, मैं अंदर दूर से दिखा देता हूँ आपको। ये ऑडिटोरियम है, सेकेंड ऑडिटोरियम है ये CRS यूनिवर्सिटी का, उसके बाद नहीं दिखा देता हूँ आप, देख लीजिए यूनिवर्सिटी कैंटीन। ठीक है, वहाँ से होते होते
और यहाँ पे देख लीजिए आप, कैंटीन से होते होते उल्टे वहीं पे आ चुके हैं जहाँ पे हम गए थे, ठीक है। और ये आपका, ये रहा आपका वो खेलने का मैदान, ऊपरली साइड है आपका खेलने का मैदान है, ठीक है। और अब दिखाता हूँ आपको बोझ हॉस्टल का, नहीं लेके जाऊँगा अपने बोझ हॉस्टल का नहीं लेके जाऊँ, ठीक है। ये भी देख लीजिए, हम वहीं से होते होते आ लिए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम और करके करके हम बोझ हॉस्टल का नहीं आ लिए हैं, बोझ हॉस्टल CRS यूनिवर्सिटी का, ठीक है। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, ठीक है। चलो ये 15 दिन में दिखाता हूँ बोझ हॉस्टल का हमने, छत्रपति शिवाजी छत्रावासी को दिखा देता हूँ आपको, वहाँ पहले भी दिखा था हमने, देख लीजिए छत्रपति छत्रा शिवाजी, ठीक है। अब एंट्री दिखाता हूँ आपको, एंट्री कर दिया अपने बोझ हॉस्टल की, ठीक है। यहाँ पे अखबार है, पढ़ना तो अखबार भी है भाई यहाँ पे, ठीक है। जो बच्चे CRS यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेते हैं ना, वो उनको ये दिखा देता हूँ क्या कुछ कैसे लिस्ट लगती है। देखो यहाँ पर बोझ हॉस्टल जैसे लिस्ट लगी है, ऐसी लिस्ट लगती है आपकी यार, फॉर्म होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं देखो यहाँ पे दे रखी है। देखो आप हॉस्टल एप्लीकेशन SC ST 25 रुपये फीस जो अप्लाई करोगे, और 100 रुपये आपकी जो है सो मतलब जनरल कैटेगरी के, और 12,000 रुपये आपका रेंट रहता है, ठीक है। और ये आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट है देने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपका है मैच चार्ज, ठीक है। और देख लीजिए मैच सिक्योरिटी आपकी 2,500 है जो आपकी रिफंडेबल होगी, ठीक है। और 2,000 आपकी हॉस्टल सिक्योरिटी है, ये भी रिफंडेबल होगी, मतलब टोटल ला के चलो आप, आपके 4,500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे 12,000 में से, ठीक है। देख लीजिए आप अंदर एंट्री करके, इसके बाद देखो हॉस्टल बॉयज हॉस्टल CRS यूनिवर्सिटी का, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है भाई। कोई डाउट रहता तो भाई कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।